Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the last minute tips on the subject of business law. हम business law में क्या क्या पढ़े और किस बेस पे हम questions को concentrate करें, तो ये video में आज हम discuss करने वाले हैं. और ये video मैंने एक छोटा सा compact video बनाया है, so that आपके सारे basic चीज़ें जो आपको concentrate करने हैं last moment में, उसके बारे में आपको पता चल सके. तो video को last तक देखें, और channel पे नए हो तो subscribe करें, like करें, because मैं add ऐसे videos लाते रहता हूँ. तो लेट अस स्टार्ट. मॉड्यूल नंबर 1 जो है हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें दो पार्ट्स है. मॉड्यूल नंबर 1 में इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 1 एंड 2013 का पार्ट 2. तो ये काफी बड़ा मॉड्यूल है. क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें चार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. चार क्वेश्चंस में से प्रमोटर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रमोटर के ऊपर क्वेश्चन पढ़ के रखें. फिर रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन के ऊपर, ये एक नया कंपनी फॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो पढ़ के रखें. फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पढ़ के रखें. फिर प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ के रखें. प्रॉस्पेक्टस के बारे में पढ़ के रखें, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. एक क्वेश्चन मेंबर के ऊपर आएगा, एक क्वेश्चन डायरेक्टर्स के ऊपर पूछा जाएगा. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स हो, फिर डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर हो, फिर एक क्वेश्चन आपको किसी भी टाइप के मीटिंग्स के ऊपर पूछा जाएगा. तो मीटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीटिंग को बिल्कुल भी ऑप्शन में ना रखें. एनुअल जनरल मीटिंग है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, और बोर्ड मीटिंग है. अगर हम मीटिंग्स की बात करें, तो एनुअल जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग थोड़ा कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट बन जाता है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग का भी एक ओवरव्यू लेके चले. तो एक क्वेश्चन आपको देखा जाए तो मेंबर्स के ऊपर, एक क्वेश्चन डायरेक्टर्स के ऊपर, एक क्वेश्चन मीटिंग्स के ऊपर, और एक कोई स्पेसिफिक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे माइट रिपीट. तो आपको चार क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन को आंसर करना है. जितने पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताया, अगर आप उस पर फोकस करोगे, तो आपको ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा. तो सिंस ये बड़ा मॉड्यूल है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है. पार्ट 1 में आपके सारे चीज़ें अबाउट कंपनी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है, प्रॉस्पेक्टस है. एंड पार्ट 2 में मेंबर्स के बारे में है, मेंबर्स, डायरेक्टर्स, क्वालिफिकेशंस क्या है, उनके डिसक्वालिफिकेशंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स क्या है. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा मॉड्यूल है. इसमें अगर हम ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, वो अगर आप फोकस करोगे, तो आप इजीली क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे. बिकॉज हमें एग्जाम में तो सिर्फ दो ही क्वेश्चंस लिखने हैं, एंड हमें चार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको चार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको चार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो चार में से सिर्फ आपको फर्स्ट में दो, सेकंड में दो ही लिखने हैं, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल नंबर 1 के ऊपर होने वाले हैं. तो मॉड्यूल नंबर 1 ये था हमारा बेसिक. मॉड्यूल नंबर 2 का जो अगर मॉड्यूल देखें, तो छोटा सा मॉड्यूल है, विच इज़ कॉल्ड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर हम बात करें, तो इसमें भी आपको चार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो पार्टनरशिप का बेसिक जो है फीचर्स है पार्टनरशिप एक्ट के, फिर राइट्स एंड ड्यूटीज़ है पार्टनर्स के, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है, पार्टनरशिप डीड है, वो थोड़ा सा इसमें डिटेल इंपॉर्टेंट बन जाता है, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें. फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो आप पढ़ के रखें. फिर एक LLP का पॉइंट इसमें आ सकता है, एक LLP के ऊपर क्वेश्चन आएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो एक्ट फॉर्म हुआ था 2008 में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एंड उनका प्रोसीजर, वो भी पढ़ के रखें. एक क्वेश्चन 100% फिक्स होगा LLP के ऊपर, तो LLP को ऑप्शन में बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि LLP का अगर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, एक पार्टनरशिप का सॉल्व करोगे, ऑलरेडी आपके दो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, और दो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आएंगे, तो यू हैव एन ऑप्शन. तो अगर हम देखेंगे इसके ऊपर, तो वन क्वेश्चन विल बी ऑन पार्टनरशिप, वन क्वेश्चन विल बी ऑन डिसोल्यूशन, एंड देर कैन बी टू क्वेश्चंस ऑन LLP, और वन क्वेश्चन ऑन LLP एंड वन क्वेश्चन ऑन दी पार्टनरशिप एज पार्ट. तो ओवरऑल अगर देखा जाए, तो दो क्वेश्चन पार्टनरशिप पे, दो क्वेश्चन हमारे LLP के ऊपर पूछे जा सकते हैं. हमें तो सिर्फ दो ही सॉल्व करने, तो जो जो मैंने अभी आपको बताया, वो सारे चीज़ें आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. और लॉ से रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए. अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं. हियर कम्स दी थर्ड मॉड्यूल, विच इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, एंड दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. तो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, एक्चुअली इट्स मॉड्यूल नंबर 4, लेकिन हमने इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 को एक ही मॉड्यूल में देखा, इसीलिए दो मॉड्यूल्स उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कॉम्पिटिशन एक्ट 2002,
इनके ऊपर क्वेश्चन अगर हम देखें तो कॉम्पिटिशन एक्ट के फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के रखें। फिर जो वेरियस काइंड्स ऑफ फोरम्स है, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट फोरम, कंज्यूमर डिस्प्यूट से रिलेटेड, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखें तो कंज्यूमर से रिलेटेड जो जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स है, कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या होता है, अनफेयर ट्रेड क्या होता है, फिर गुड्स एंड सर्विसेज, कंप्लेंट, डिस्प्यूट्स, डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर से रिलेटेड पॉइंट, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रीजंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये अगर देखा जाए तो, ये अगर आप एक ओवरव्यू भी इसका लेके गए तो आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए एग्जाम में तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एक क्वेश्चन कंज्यूमर, एक कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, आपके दो क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट हो जाएंगे। एंड द लास्ट मॉड्यूल इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये थोड़ा सा बड़ा मॉड्यूल है बिकॉज दैट इज बीन डिवाइडेड इंटू आईपीआर रिलेटिंग टू पेटेंट्स, आईपीआर रिलेटिंग टू कॉपीराइट्स एंड आईपीआर रिलेटेड टू ट्रेडमार्क्स। तो इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पेटेंट्स का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कॉपीराइट्स का और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रेडमार्क्स का। तो इस पे तीनों के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो पहले आप अगर देखें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंसेप्ट क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडिया से रिलेटेड। फिर पेटेंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, एक कॉपीराइट्स के ऊपर, एक ट्रेडमार्क्स के ऊपर। तो वो थोड़ा उसका डिटेल ओवरव्यू आप लेके रख सकते हैं। दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो। मैंने वीडियो काफ़ी शॉर्ट बनाया है बिकॉज आपको लास्ट मोमेंट में आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड आपको बेसिक चीज़ें पता चले कि आपको किस चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करना है एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर योर बिजनेस लॉ एग्जामिनेशन एज कंटेंट। बाकी डिटेल के जो भी क्वेश्चंस है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक को चेक करें, डिस्क्रिप्शन देखें एंड अपने बिजनेस लॉ का पेपर काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें। दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो फ्रॉम, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एज ऑलवेज, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर।